तो फाट ठीक है, नहीं तो हमें आप दोष मत देना। और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी या कोई भी वाक्य होगा उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। ये उनको चेतावनी के स्वरूप कह दिया हमने, इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये बात हमने रखी है, चाहे हमने कई संविधा की बात कर ली या मतलब कोई किसी प्रकार का मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी, आप बताओ। इतनी सी मांग करिए, अब इसके अंदर भी है जो ये घूम रहे हैं, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, कलेक्टर क्या होता है, हमने कलेक्टर से बात ही नहीं करी जब साड़ू प्रकरण हुआ, सीधा आदेश भेजा, राशि भेज दी, काम हो गया। तो मतलब यहाँ ये आज स्थिति ये बन गई है, हमारी स्थिति ये बना के रख दी कि जाओ और कलेक्टर से बात करो। आज 5 दिन से कलेक्टर फोन करा है, मैंने बात नहीं करी, ज्ञापन दिया, आज सुबह फोन से सारी डिस्कस उनसे हुई, मैंने कहा ये करोगे तो, और सरकार जो सोई हुई है उस सरकार को हम जगाएंगे। सरकार को जगाने के लिए आप सब पधारे हो तो हम घर में बिल्कुल स्पष्ट खुली बात आप सबसे करना चाहते हैं कि बार बार हमारे से भी वार्ता हुई है और वहाँ से कोई न तो कोई मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि आया है, न यहाँ पर कोई कैबिनेट मंत्री आया है, न हमसे किसी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बात करी है, न कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, किसी ने बात आज दिन तक नहीं करी है। तब हमने कल शाम को ये निर्णय किया कि हमको सबको मिलकर के पहले तो जोधपुर के अंदर एक विशाल रैली करेंगे और विशाल रैली के अंदर भविष्य के अंदर क्या करेंगे हम, उसके लिए हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन अगर आज हमें न्याय नहीं मिलता है तो छत्तीस कौम का जो क्षत्रिय न्याय करता था, अगर क्षत्रिय के साथ न्याय नहीं होता है तो क्षत्रिय छत्तीस कौम के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सब आपको पता है कि सावड़ों में आगजनी की घटना हुई थी और वो भी आगजनी की घटना क्षत्रिय परिवारों में और अन्य परिवारों में हुई थी। अब उनको भी न्याय नहीं मिले तो वो दूसरों को क्या न्याय दिलाएगा। इसी भावना से आज छत्तीस कौम हमारा साथ, सुबह जब बैठे तो हमने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, याद किया, सब लोग यहाँ थे और थे तब उन्होंने ये कहा कि थोड़ा समय हमें दो और समय देना भी चाहिए। तो एक अपन सब अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल हम 12 बजे तक आपको समय देते हैं और 12 बजे तक आप हमारा फैसला करा दो। और वास्तव में इनके चूल्हे भी जले नहीं हैं, आज जिन घर में आज जिनकी डेथ हो गई, देवलोक गमन हो गए, आज उनके परिवार पर क्या बीत रही है, और वास्तव में कठिन कठिन कार्य में आपरे आग लगी है, दिल में दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है। इन वास्ते छत्तीस कौम जदे हूँ वो बाकी हुए है उन दिनों, और आज चौथो दिन है उधर साहब अपर धरने रहो, चारों दिन में लगातार छत्तीस कौम के प्रतिनिधि, नेता, जनप्रतिनिधि सब लोग इस धरने को समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर मानवता शर्मसार हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। और किस प्रकार से ये हृदय विदारक घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। मैं तो इसी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा, हमारी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, हमारे परिवार का मामला है, हमारे भाइयों का मामला है, हमारे घर का मामला है। लेकिन अगर बात करें हम लोग तो अभी आपने हमारे भाई उमेश सिंह जी को देखा है, इस परिवार में 7 लोग कालकल्पित हो गए। उमेश सिंह जी का छोटा बच्चा चला गया, उनकी पत्नी चली गई और आज 3 दिन से उनके शव अंदर है। उमेश सिंह इन्होंने कोई खाया पिया नहीं है, लेकिन हमारे बीच में बैठे हैं। अब यही कारण है कि आपकी सद्भावना बनी हुई है। बिराज उमेश सिंह जी का नहीं, इनके पड़ोस में एक परिवार है, बहादुर सिंह जी का परिवार, उस परिवार में 8 लोग कालकल्पित हो गए, एक छोटा बच्चा उनके घर में बचा है। वैसे ही ऐसे 4 परिवार हैं, 4 परिवार में फाटक खोलने वाला भी कोई बच्चा नहीं है। ऐसे दयनीय हालात है, ऐसे समय में भी जिस सरकारों को हम चुन के भेजते हैं और उन सरकारों में हमारा हक और अधिकार है, जो सरकारों के पास खजाना है उस खजाने में हमारा हक है, आम जनता का टैक्स है, वो खजाना हमारे टैक्स से भरा जाता है, वो उस खजाने के कोई मालिक सरकारें नहीं होती, उस खजाने की ये जनता ही मालिक होती है।
पर लगाना है नहीं रही मान गाल दो। उस खजाने की जनता मालिक है। अब वैसे हाथ जोड़ के सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जैसे कोई भीख मांग रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं। अब राम रूठे लेकिन राज नहीं रूठे, लेकिन इस बार तो ये हालात हो गए कि पहले राम रूठा और अब राज ही रूठ गया। राज भी रूठा और राम ही रूठा दाता, राम रूठा तब ये हालात हुए हमारे। और आज हम सबको गिड़गिड़ा में पड़ना है, लोगों के सामने दांत दिखाने पड़ रहे हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। सरकार से सबकी उम्मीद होती है और राज से सबकी उम्मीद होती है। अभी दाता संत शिरोमणि राम विचार जी महाराज फरमा रहे थे कि कहीं तो कोई नाड़ी में डूब जाए, वहाँ तो आप 20-20 लाख रुपए दे देते हो। और जो गैस त्रासदी में जिस परिवार की कोई गलती नहीं है, जहाँ मंगल गीत गाए जा रहे थे, परिवार में शादी थी, सभी रिश्तेदार आए हुए थे, और उस जगह पर गेट के पास दो टंकियाँ सुरक्षित पड़ी हुई थी, पांच टंकियाँ कंधों के पास लगी हुई थी, एक टंकी चाय के लिए लगी हुई थी, किसी प्रकार का कोई उन टंकियों में रिसाव नहीं था, बहुत तरीके से लगाई गई थी। लेकिन दो टंकियाँ जो गेट के पास थी उसमें रिसाव हुआ है, उसकी कॉक फटी है और ये गैस घूमती घूमती बहुत गुब्बार बन गया और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, पास वाली टंकी फट गई। तो ये लापरवाही गैस कंपनी की है, गैस एजेंसी की है, इन गरीब परिवार की कोई लापरवाही नहीं। सगत सिंह जी का परिवार निम्न श्रेणी का BPL परिवार जिसको कहते हैं, गरीब परिवार है, बिल्कुल दो पड़वों में निवास करता है और बहुत ही साधारण और सरल परिवार है। अब उसके लिए भी प्रशासन कहता है कि कहीं ना कहीं उस परिवार की गलती है। आप तो गैस एजेंसी की बात करते हो सकता है कि उनकी लापरवाही, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वह कराओगे किसके खिलाफ? तुम्हारे दिमाग में विचार कैसे आया? तुम किसको डराते हो? सोचा कैसे तुम लोगों ने ये? वो जो संसार में रहे ही नहीं, किसके खिलाफ मुकदमा कराओगे? ये प्रशासन की तरफ से जवाब आता है। इससे ज़्यादा तो शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अब ये आप देख रहे हो कि सरकार सोई भी है। इतने दिन से लोग यूँ चिंता कर रहे हैं और लोगों के खाना पीना छूट गया है, पानी पीना छूट गया है, घरों में चूल्हा नहीं जला है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो जिन लोगों ने जाके वहाँ देखा है, सबका दिल दहल गया कि वास्तव में ऐसे कभी हालात होते हैं। या तो पहले मेहरानगढ़ दुकान तीखा में हुआ था या ये दूसरा बहुत बड़ा हादसा है। ऐसे हादसों में मुख्यमंत्री सहायता कोष बनता इसलिए है कि मुख्यमंत्री स्वयं के विवेक से निर्णय करे, और ऐसी जब प्राकृतिक आपदाएँ आती है तो खुले हाथ से आगे आकर के सहृदय से ऐसे लोगों को मदद करके उनको उबारने का काम करें। लेकिन अब वो दूसरे जगह के कोई देते हैं साहब, वहाँ त्रास दी हुई थी, ब्यावर में हुई थी, शहर में हुई थी, कहाँ हुई थी, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई परिपाटी नहीं पड़ती है। ये तो स्थितियाँ देखी जाती है मौके की, क्या हालात है। अगर एक परिवार में 7 लोग जाए, एक में 8 जाए, एक में 5 जाए, एक में 6 जाए, आज 33 लोग काल कल्पित हो गए। आज यहाँ पर कोई लाशों पर राजनीति कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आज यहाँ पर 8 लाश पिछले 4 दिन से मोर्चरी के अंदर न्याय का इंतजार कर रही है। और आप मानोगे, ये कोई मोर्चरी में जो बॉडी रोकी है, ये परिजनों ने दाता रोकी है। क्या साहब, ये 33 जो काल कल्पित हुए हैं, इनको और इनके परिवारों को न्याय मिले। अब ये हमारे तो मिट्टी समान है और इनसे हमको कुछ नहीं, लेकिन हम यहाँ रोकेंगे और आप हमारे न्याय के लिए लड़ें। तो वो उसी व्यवस्था में सब लोग 36 कौम आ रही है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब सरकार को बार बार चेता रहे हैं। परसों सुबह हम लोग सब यहाँ बैठे थे, तो परसों सुबह जब बैठे तो हमने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, याद किया, सब लोग यहाँ थे और थे, तब उन्होंने ये कहा कि थोड़ा समय हमें दो और समय देना भी चाहिए। तो एक अपन सब अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल हम 12 बजे तक आपको समय देते हैं और 12 बजे तक आप हमारा फैसला करा दो। और वास्तव में इनके चूल्हे भी जले नहीं हैं। आज जिन घर में आज जिनकी डेथ हो गई, देवलोक गमन हो गए, आज उनके परिवार पर क्या बीत रही है, ये भी आप विचार करो, सोचो। तो ये भी सोचो, और उसके बाद में जैसा महाराज जी ने कहा, हमको भी ये अस्पताल प्रशासन ने बुलाकर कहा कि साहब ये जले हुए हैं, बहुत ज़्यादा संक्रमित हैं, इतना संक्रमण फैल जाएगा कि जो लेके जाएंगे उनके लिए भी कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो आप यहाँ से ये लाशों को ले जा करके दाह संस्कार करने का काम करें। लेकिन परिजन माने नहीं कि अब जो भी स्थितियाँ बनेगी
चाहे लाश का पानी बनेगा, चाहे मिट्टी बनेगी, जो भी परिस्थिति होगी, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये निर्णय सब लोगों ने किया, तो आपके सामने है, मोर्चरी में है, तो वो भी सरकार को चिंता नहीं है। जब प्रशासन अवगत करा रहा है, यहाँ ADM आ रहे हैं, एडिशनल SP आ रहे हैं, SP आ रहे हैं, और सब रिपोर्ट है कि ये लाशों के अंदर संक्रमण फैल रहा है, उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं उड़ रही है। कम से कम सोचो तो सही कि यहाँ क्या हालात है, उनके परिवारों के क्या हालात है, उसके बारे में भी चिंता नहीं कर रहे। तब हम लोगों ने इनको ये कहा कि ये सब्र का बांध टूटेगा, और जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो हमारे किसी के हाथ में कोई बात रहेगी नहीं, यहाँ पूरा राजस्थान पूरा आंदोलित होगा। अब राजस्थान ही आंदोलित नहीं हुआ है, आप देख रहे हो कि ये लोकसभा में मामले उठे हैं, और जगह जगह ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भेजा है, सब ने देखा है, जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखा है उनका हृदय पसीज गया है, और हृदय पसीजा है। इसलिए आज राजेंद्र सिंह जी नरुका आपके बीच में है, डिप्टी साहब है, उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से है, पंजाब से है, राजस्थान का हर कोने से, हर स्टेट से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और सब लोग समाचार कर रहे हैं कि राजस्थान की ऐतिहासिक रैली हम करेंगे और इन गरीब परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, तो सब लोग पहुँच रहे हैं। जब हमने 12 बजे का उनको कहा, और परसों सुबह हम लोग गए जिला कलेक्टर के पास, पहली बार गए और ज्ञापन दे के मांग करने के लिए गए। बाकी आज दिन तक 4 साल हो गए दादा, मैं जिला कलेक्टर का कहा, मैंने कहा एक बार भी आपके मैं ऑफिस में नहीं आया, लेकिन गरीबों के न्याय दिलाने के लिए, ये ज्ञापन देने के लिए आपको आया हूँ, और ज्ञापन इसलिए दे रहा हूँ कि आप जिला कलेक्टर हो, यहाँ के मुखिया हो, और आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। आप अपने आका को ये ज्ञापन भेज दो और उनको बता दो, और उनको ये कि ये इनकी मांग है, तो ये मांग भी हमने नहीं रखी, ये मांग की आप सबके बीच में इसी जाजम पर बैठ कर सब लोगों ने ये कहा कि मृतकों को 50 लाख रुपये मिलना चाहिए, 25 लाख घायलों को मिलना चाहिए, और जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, सगत सिंह का पुनर्वास करो, उसका आवास बनाओ, और जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है उन बच्चों की परवरिश हो और उनको शिक्षा मिले, ये भी, और गैस एजेंसी के ऊपर मुकदमा करके CSR में गैस एजेंसी से भी, उस कंपनी से भी इनको एक पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी मांगें जो यहाँ जाजम पे हुई थी, वही मांग लिख करके हमने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन के बाद यहाँ आकर के सब लोगों ने कहा कि कल हमको 12 बजे तक का समय दे दो, सरकार हमारी है, हम सरकार के पास जाएंगे और 12 बजे से पहले आपका कोई निर्णय करा देंगे। तो कल 12 बजे भी चली गई, और 12 बजे जाने के बाद कल शाम को जब हम इकट्ठे हुए तो कोई पॉजिटिव जवाब उनका नहीं आया, कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, और कुछ प्रतिनिधियों को हमने पूछा, भाई आप कह रहे थे कि 12 बजे तक हम आपका फैसला करा देंगे, तो वो भी कोई आया नहीं। तब उनसे पूछा भाई क्या करना, तो वो उस समय मैं यहाँ था नहीं, क्योंकि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी आए हुए थे, तो दाता नारायण सिंह जी ने 5-7 लोगों को, कोई हमारी कोई अभी कह रहे थे कि भाई कोर कमेटियाँ वगैरह कुछ नहीं है, अब ये जो ताकत है वो आप सबकी ताकत है, और कोर कमेटी आप सब लोग जो भी फैसला होगा इस जाजम पे आपके बीच में होगा, अलग से जाके क्या बात करनी है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं एक सलाह करने के लिए जाते हैं कि भाई सलाह करके और सरकार को अपन अवगत करा दें कि ये बात हम मानेंगे, इसके अलावा नहीं मानेंगे, यही विचार करने के लिए साइड में जाके बात करी, बाकी जाने की इच्छा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी आए हमने यही बुलाया कि यही बैठ के हमारे बीच में आप बात करो, यही पचास 18 गाड़ी बद भाई जाओ उठ बारे बिराजो। तो अब हम आप हमारे सब परिवार के हो, 36 कौमी हो, और इस धरने को समर्थन देने के लिए और रैली को सफल बनाने के लिए पधारे हो कि भी कल एक राजस्थान की विशाल रैली हम करेंगे, और सरकार जो सोई हुई है उस सरकार को हम जगाएंगे। सरकार को जगाने के लिए आप सब पधारे हो, तो हम घर में बिल्कुल स्पष्ट खुली बात आप सबसे करना चाहते हैं कि बार बार हमारे से भी वार्ता हुई है, और वहाँ से कोई न तो कोई मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि आया है, न यहाँ पर कोई कैबिनेट मंत्री आया है, न हमसे किसी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बात करी है, न कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, किसी ने बात आज दिन तक नहीं करी है। तब हमने कल शाम को ये निर्णय किया कि हमको सबको मिलकर के पहले तो जोधपुर के अंदर एक विशाल रैली करेंगे, और विशाल रैली के अंदर भविष्य के अंदर क्या करेंगे हम, उसके लिए हम आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन अगर आज हमें न्याय नहीं मिलता है तो 36 कौम का जो क्षत्रिय न्याय करता था, अगर क्षत्रिय के साथ न्याय नहीं होता है तो क्षत्रिय 36 कौम के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सब आपको पता है कि सावड़ों में आगजनी की घटना हुई थी, और वो भी आगजनी की घटना क्षत्रिय परिवारों में और अन्य परिवारों में हुई थी। अब उनको भी न्याय नहीं मिले तो वो दूसरों को क्या न्याय दिलाएगा। इसी भावना से आज 36 कौम हमारा साथ दे रही है,
और क्षत्रिय समाज के लोगों को विशेष तौर से अब सबको एकजुट होने की जरूरत पड़ गई। ये समय आ गया और इस समय में जब सतीश कौम आपकी साथ दे रही है, ऐसे समय में आप सबको जगना होगा, उठना होगा और आगे बढ़ना होगा और समर्थन करना होगा। अभी हमने कल जब शाम को और समय दिया कि भाई अभी चलो कोई बात नहीं, अभी भी सरकार की अगर नींद उठती है तो एक दिन का और समय देकर हम रैली 18 तारीख को करेंगे। ये कल की बात थी, 16 तारीख, आज 17 तारीख है। 16 तारीख को यहाँ 5 बजे हमने अल्टीमेटम दिया, इनको चेतावनी दी कि हम 18 तारीख को 11 बजे रैली करेंगे। अगर यहाँ के प्रतिनिधि चाहते हैं तो सीधे उसी समय 4 घंटे लगते अब जयपुर जाओ, वहाँ जाके बात करते और बात करके और हाथों हाथ सुबह आकर निर्णय सुना देते, लेकिन उनके कानों पर कोई जूंग रह जी नहीं। मैं आज दावे के साथ आप सबके बीच में ये बात करना चाहता हूँ कि जब दर्द दिल में होता है ना और खुद के ऊपर बीतती है वही महसूस कर सकता है। ये बात महसूस की थी आपके सामने, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन सावड़ों की घटना होते ही हम उसी दिन गए, वहाँ मीटिंग करी, मीटिंग करके हमने कहा कि कोई भी आप प्रदर्शन कर रहे हो, आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब मारवाड़ सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा हम कल जोधपुर बंद करेंगे, रैली करेंगे। हमने कहा एक दिन का समय हमको दे दो और एक दिन के समय के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। उनको हाथ जोड़ करके हमने उनको कहा आप आंदोलन नहीं करें, एक दिन हमारा कहना मानो, हम सरकार में जनप्रतिनिधि हैं और हमको बना के भेजने वाले लोग आप हो, हम आपके कुल के हैं और हमें आपके परिवार में जन्म लिया है, आपके समाज में जन्म लिया है और जो घटना जिसके साथ हुई है उनको न्याय दिलाने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे और सरकार हमारी है। अगर हमारी सरकार नहीं मांगेगी, हमने कहा था सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो बाबू सिंह राठौर इस्तीफा देकर आप लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा, ये हम कहने वाला हूँ, मैंने कहा। और कह के हम गए और जयपुर जाकर बात करी, मुख्यमंत्री जी को सारे विषय बताए, फोटो बताए, वीडियो बताए और उन्होंने गृह मंत्री जी को हमारे साथ, डीजी को हमारे साथ और चार्टर्ड प्लेन में हमको बिठा करके सावड़ों भेजा और वहाँ आकर मौका मुआयना करा। और करने के बाद हमने ही तय किया कि इसमें 5 करोड़ का अपन पैकेज लेंगे और पैकेज को कैसे बांटना है अपन तय करेंगे। और जाकर के मुख्यमंत्री जी को एक ही आवाज़ में, एक ही शब्द में कह दिया कि 5 करोड़ से कम कोई मंजूर नहीं है, आप 5 करोड़ हमें घोषणा करिए। तुरंत घोषणा करी, आए वहाँ आकलन किया और आकलन करने के बाद में सब लोगों ने कहा कि हमारी दुकान के अंदर 10 लाख का नुकसान हुआ। हमने कहा इसमें और जोड़ो, 10 की जगह 25 करो। किसी ने कहा 25 का नुकसान हुआ, 10 और जोड़ो इसको 35 करो। ये सब जोड़ने के बाद 2.5 करोड़ हुआ और 2.5 करोड़ बच गए, हमने लौटाया नहीं और उस सावड़ों गांव के विकास के लिए लगाए और पूरे 5 करोड़ खर्च किए। ये होता निर्णय, तो ये कोई नौबत नहीं आई धरने की, हमने नहीं आने दी। लेकिन ये धरने की नौबत क्यों आई, ये सब आप जानते हो कि आज ये धरने की नौबत क्यों आ रही है, क्या क्या परिस्थिति हो गई कि हमको ये धरना देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये स्थितियाँ हैं, फिर भी हम लोग समाज को, समाज के हम ऋणी हैं और छत्तीस कौम के ऋणी हैं कि हमने हमारे शेरगढ़ के 2-3 अकाउंट खोले। एक अकाउंट मैंने भी खोला, हमारी विकास समिति, राजपूत विकास समिति ने भी खोला, दूल्हे सुरेंद्र सिंह जी के नाम से भी खोला, सभी खातों में हमारे बराबर पैसे। और मतलब कहाँ कहाँ से हमने विचार नहीं किया, मतलब पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं, विदेशों से ही पैसे आए हैं और लगातार पैसे आ रहे हैं, तो मदद की कोई कमी नहीं, सबके हाथ उठे हैं और ये खुले हाथों से सब मदद कर रहे हैं। तो हमको ये हाथ नहीं फैला रहे दाता सरकार के आगे कि हमको भीख चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। आज प्रशासन खड़ा है, मूक बधिर होकर देख रहा है और इनको पूछो कि ये जो सरकार तनख्वाह ले रहे हैं, ये तनख्वाह भी हमारा टैक्स है, हमारे पैसों से ही तुम पढ़ रहे हो, हमारी सरकार हमारे वजह से ही आपको सैलरी मिल रही है। तो आप लोग भी आके ढंग से बात नहीं कर रहे हो, क्या होने वाला है, आज स्थितियाँ क्या बन रही है। कल काला दिवस बनेगा और राजस्थान में ऐसा काला दिवस किसी ने देखा नहीं होगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। कभी लोग कहते हैं 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, कोई अनुमान नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ 1 लाख से प्लस होंगे और विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के कम से कम 35-40 लोग विधानसभा क्षेत्र से आएंगे। कल आपको हम दिखा देंगे क्या धरना होता है, क्या रैली होती है, इस प्रकार का आंदोलन होगा, क्योंकि हर कोई जानता है इस बात को, सबके दिलों में दर्द है। ये स्वयं की प्रेरणा से आ रहे हैं, हमने कोई बसें नहीं लगाई, हमने कोई गाड़ियाँ नहीं लगाई। जिसके पास भी गाड़ी है, गाँव में गाड़ी खड़ी है, वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, साथ में लोगों को लेके आएगा, सब अपनी प्रेरणा से आ रहे हैं। तो ये सबका, ये वास्तव में जिस प्रकार का अन्याय हुआ है ऐसा कोई आशा किसी ने देखा नहीं, इस वजह से लोग आ रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने अपनी मांग को धीमा किया कि भाई कोई बात नहीं, सरकार की लिमिटेशन होती है तो उस हिसाब से हम भी सरकार में रहे हैं तो कुछ कम कर लेते हैं, लेकिन बात मान लो कल ये बात बढ़ जाएगी। जब बात बढ़ेगी तो मैंने चैलेंज के साथ चेतावनी उनको दी कि पहले तो ये रैली निकलेगी और रैली के बाद आप देखना, जब जगाओ मत, हम अनुशासित हैं लेकिन जब जग गए तो मानने वाले नहीं है। और स्थितियाँ ये बनेगी कि अभी तो ये जोधपुर में रैली होगी और उसके बाद में जो ये आपकी
भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये यात्रा को हम रोकेंगे और यात्रा आपकी आगे बढ़ेगी नहीं, यात्रा को रोकने का भी काम करेंगे। उसके बाद राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर हमारे यहाँ पर हमारे आदरणीय संघ प्रमुख साहब पधारे थे, लक्ष्मण सिंह जी, बैंड की आवाज साहब, उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न संघ आपके साथ खड़ा है, प्रताप फाउंडेशन आपके साथ खड़ा है, और पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर प्रदेशों में जहाँ शत्रुघ्न संघ काम कर रहा है प्रत्येक जिले में रैलियाँ होगी, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, धरने देंगे, और राजस्थान का पूरा जिला बंद होगा, पूरा जोधपुर जिला बंद होगा, और जोधपुर के बाद पूरा राजस्थान बंद होगा। तो ये कोई कम बात नहीं है, हम सांस नहीं लेंगे, बैठेंगे नहीं, और जब तक जगेंगे, जब तक संघर्ष करेंगे, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मांग दाता हमने हमारी मांग को कम कर दी, और कम करने के बाद उनसे कहा भाई आप क्या करना चाहते, तो उन्होंने कहा हमारी लिमिट है, हम मृतकों को 10 लाख रुपये देंगे। तो मैंने कहा 10 लाख से तो बात बनेगी नहीं, ये 10 लाख आप ले जाओ पाचा, एंड मैं हमारे समाज स्तर माते मदद कर दें, आपको मदद नहीं करनी है तो हमको नहीं चाहिए, मना कर दिया। तो फिर कल ये वापस शाम को आए हमारे पास, आकर बोलते हैं कि अब आप थोड़ा सा 15 लाख रुपये कर दो। अरे मैंने कहा कोई ये कोई बार्गेनिंग नहीं है या कोई नेगोशिएशन नहीं करना, तब वो 15 लाख की बात कल करके गए, तभी हमने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा भाई नहीं है, सब लोगों ने 50 लाख की मांग कर रही है, तो ठीक है कोई बीच का रास्ता हम निकालते ही हैं भाई, चलो कोई बात नहीं। तो 15 लाख की बात करने के बाद देखो हम तो आपको कह रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं, चाहे आप हमारे से ऊपर नाराज हो रहा कि आपने कम मांग करी है, बात आपने ऐसी कर ली, पर सब लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि भाई चलो सरकार की लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा पैकेज कभी दिया नहीं, जैसे दाता फरमा रहे थे कि भाई 20 लाख दिया हुआ है, तो हमने कहा भाई 20 लाख पहले तो उन्होंने कहा एक परिवार के हिसाब देंगे, हमने कहा परिवार मत दो, आप एक मृतक के हिसाब से 20 लाख रुपये दे दो, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, 20 लाख रुपये मृतक को दे दो प्रत्येक मृतकवार एक, और 10 लाख आप घायलों को दे दो, ये इतनी सी मांग करी। इसके अलावा हमने उनको कहा भाई जो मृतक आश्रित है उनको आप नौकरी दे दो, तो उन्होंने कहा भाई नौकरियां तो करीब करीब जब मृतक आश्रित की बात करोगे तो करीब 25 नौकरियां निकलेगी, 25 नौकरियां एक साथ देने की स्थिति में सरकार नहीं है, तब भी हमने है जो को गम खाया, और गम खाने के बाद ये कहा कि चलो आप 25 नौकरियां नहीं दे सकते हो तो 25 लोगों को अभी एक बार आप संविदा पर नौकरी दे दो, हमें उम्मीद है कि राज आते रहते हैं जाते रहते हैं, सरकार अगर हमारी आ गई आज संविदा पे लग जाएंगे तो कल उनको परमानेंट करने का काम हम कर लेंगे, लेकिन आप संविदा पे तो नौकरी दो। अब संविदा क्या होता है वो तो हमारा सरकार का कोई भी एक मंत्रालय चाहे एक कैबिनेट मंत्री तय करे तो अपने विभाग के अंदर भी संविदा पे 25 नौकरी लगा दे। मैं तो कह रहा मैंने विधानसभा में 1000 लोगों को संविदा पे लगा दिया, ट्यूबवेलों पर, आंगनबाड़ियों पर, JJY मैन, कहीं कहीं कितने लगे हुए, राशन की दुकानों पर सब लगे हुए, तो एक MLA लगा सकता है तो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा हमारे ब्राह्मण देवता भी कह रहे थे कि वहाँ गैस त्रासदी 20 शहर के अंदर वहाँ पर उन्होंने 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का पैकेज दिया था जो मृतक हुए थे, और फिर कहा कि हम इनको संविदा पे नौकरी देंगे, तो उन्होंने हाँ कर दी है ना, घोषणा कर दी कि संविदा पे नौकरी देंगे, तो संविदा पे नौकरी घोषणा करने के बाद संविदा तक की नौकरी नहीं दी। इसलिए आज हमने इनको कहा कि एक तो आप मृतक को 20 लाख रुपये दीजिए और एक बार 25 लोगों को जो भी आश्रित हैं, और मैंने ये भी कहा कि जो घायल हैं और जो जल गए हैं भाई, जो शरीर से जल गए हैं वो तो अधमरे टाइप है, वो ना तो खा सकते ना कमा सकते, वो जिंदा जरूर है लेकिन लायक नहीं रहेंगे, इसलिए उनको भी जो जिंदा जो है और ठीक हो रहे हैं उनको भी संविदा पे आप नौकरी दे दीजिए, तो उनकी मांग करी है, और उसके साथ में मृतक परिवारों में जो है उनको भी दे दीजिए, तो करीब ऐसी 25-30 नौकरियां जो भी बनेगी है ना वो नौकरी मांगी है। अब इसमें भी अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो हमने उनको कहा कि देखो हमने इतनी सी बात करी है, आज तो आप हमारी ये बात नहीं मान रहे हो और कल ऐसा समय आएगा कि तुमको 50 लाख का पैकेज भी देना पड़ेगा और 25 लोगों को सरकारी नौकरी भी देनी पड़ेगी, ये समय आएगा और हमारे लोग जगेंगे और अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे, आज आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो, मान नहीं रहे हो, मतलब कोई किसी प्रकार का मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी, आप बताओ, इतनी सी मांग करिए। अब इसके अंदर भी है जो ये घूम रहे हैं, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, कलेक्टर क्या होता है, हमने कलेक्टर से बात ही नहीं करी, जब साड़ू प्रकरण हुआ सीधा आदेश भेजा, राशि भेज दी, काम हो गया। तो मतलब यहाँ ये आज स्थिति ये बन गई है, हमारी स्थिति ये बना के रख दी कि जाओ और कलेक्टर से बात करो, आज 5 दिन से कलेक्टर फोन करा है, मैंने बात नहीं करी, ज्ञापन दिया, आज सुबह फोन से सारी डिस्कस उनसे हुई, मैंने कहा ये करोगे तो फाट ठीक है, नहीं तो हमें आप दोष मत देना और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी या कोई भी वाक्य होगा उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, ये उनको चेतावनी के स्वरूप कह दिया हमने। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये बात हमने रखी है, चाहे हमने कहीं संविदा की बात कर ली या 20 लाख की ये
मुआवजे की बात कर ली, शायद कम करी होगी, आप लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन हमने हमारे सबने साथ बैठ के हमारे विवेक से बात करी है। हाँ अच्छा, वो राजेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट, वो इसलिए कहा है कि आपने ये कहा कि लापरवाही है एचपी गैस एजेंसी की, और एचपी गैस एजेंसी आती है राजस्थान सरकार के अंडर में नहीं, तो राजस्थान सरकार ये कह रही है कि इसमें हमारी क्या गलती है आप बताओ, तो चलो कोई बात नहीं, आप मानवता के नाते हमारा सहयोग करो, और सहयोग करके एक बार आप तो संविदा पे दो, तब हमने ये मांग करी है, ये राजस्थान सरकार से मांग करी है, इसलिए मैंने कहा है। बाकी तो अब सरकारी नौकरी की बात अपन कर ही रहे हैं, अब ये तो अपने राजस्थान सरकार से मांग करी है कि भाई आप तो कम से कम एक बार हमारी खुद की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, हमने बनाई है और हमारा लोगों की उसमें भागीदारी है, इसलिए कहा है, तो ये बात हमने रखी है। अभी आप तो ये कह रहे हो ये भी बात मानने के लिए तैयार नहीं, ये भी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे विश्वास नहीं है, अभी उनको भेजा है। हाँ नहीं नहीं हमने इतनी सी बात करी है कि भाई चलो कोई बात नहीं समझौता करते हैं, तो उसमें भी एक मिनट मैं कह दूं बस, तो अभी वो गेवड़ा है पाछा आ जावे, वापिस आ जाते हैं, नहीं कर ली देखो कुछ बैठते हैं तो आप इतने सालों से कर रहे हैं, अभी आ जाते हैं, देखो सुन लीजिए, उनको आने दो, अब वो क्या बात करते हैं, हो सकता है कि उनका दल पिछली जाहिर इससे भी ज्यादा कर दे, कभी कभी होता है ना, अपन मांगे उससे भी ज्यादा सरकारें कई बार कर देती है, तो अपन ने कराई है ना कि वहाँ दुकान का आकलन 10 लाख हुआ, हमने उसमें 25 लाख दिया है ना, बढ़ के दिया है ना, तब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मांग की क्या जरूरत पड़ी कि भाई कम दे दिया, कोई मांग उठी नहीं, तो ऐसा काम वो सरकार करे जिसे मांग उठी नहीं, तो अभी वो वापिस आ जाते हैं, अपन बात कर लेते हैं, नहीं तो आप पूरी तैयारी करो और तैयारी करके ऐसा विशाल प्रदर्शन करो कि राजस्थान की धरती पर ऐसा हुआ नहीं, जोधपुर जिले में हुआ नहीं, और हमने कहा आप हमारे जिले के मुख्यमंत्री भाई, आपका खुद की बदनामी हो रही है, व्यक्तिगत बदनामी, कि वो जिले के लोगों के लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे, ये कोई सीटें कायम नहीं रहती है, इसलिए उनको कह दिया है, अब वो अपने नुमाइंदे गए हैं, एक बार उनको भी आने दीजिए, नहीं तो अपन स्टैंड है, तैयारी करो, कल विशाल रैली होगी, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, उसके लिए आप सब तैयार रहना, आप सबको बहुत बहुत आप पधारे, धन्यवाद।